अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पांच ऐसी ज़बरदस्त नसीहतें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई है, जो कि एक से बढ़कर एक नसीहतें हैं। अगर इन नसीहतों को हम हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर अप्लाई करते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर उसको लागू करते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो मेरे साथियों में से होगा। तो आइए जानते हैं वो नसीहतें क्या है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पांच बातों की वसीयत फरमाई। नंबर एक, ए अनस, अच्छी तरह वुजू किया करो, इससे तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। सबसे पहली नसीहत। नंबर दो, मेरा जो भी उम्मती तुमसे मिले उसे सलाम किया करो, तुम्हारी नेकियां बढ़ेगी। नंबर तीन, घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो, तुम्हारे घर की खैरियत बढ़ेगी। नंबर चार, चाश्त की नमाज पढ़ते रहा करो, इसलिए कि तुमसे पहले जो अल्लाह वाले बने थे उनका भी यही तरीका था। नंबर पाँच, छोटू पर शफकत और बड़ों की इज्जत किया करो, क़यामत के दिन मेरे साथियों में से होंगे। तो दोस्तों, ये थी पांच ज़बरदस्त हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहतें। हमें तो चाहिए कि हमारे नबी की हर अमल पर और हर सुन्नत पर अमल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं के अंदर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।